back to my channel which says get quirky with me. So today I'm back with another recipe और इस रेसिपी का नाम है पनीर चने, जो कि बहुत ही हेल्थी येट टेस्टी रहेगी आपके खाने के लिए. इफ यू आर डाइट फ्रीक देन यू विल लव दिस रेसिपी अ लॉट. और अगर जो लोग मेरे तरह हैं, जो अभी अभी शुरू किया है जिन्होंने डाइट करना और दे कांट जस्ट कॉम्प्रोमाइज विद देयर टेस्ट, तो दिस इज अ रेसिपी फॉर यू. तो या लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम सबसे पहले बता देंगे इंग्रीडियंट्स हमने कौन कौन से इसमें यूज किए हैं. ये है हमारी पनीर, ये है प्याज, ये मिर्च, ये नींबू, ये काली मिर्च, ये पिसा धनिया, ये लाल मिर्च, ये नमक और ये है रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल. ये है चना जिसको हमने सुबह से भिगा के रखा हुआ था और अभी इसको एक बार बस हमने बॉईल किया है. सो यार दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. तो सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे, फिर हम इसमें ऑलिव ऑयल या रिफाइंड डाल लेंगे, जो भी आपके पास है आप उसको डाल सकते हैं. फिर कढ़ाई और ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप्ड चिलीज यानी कि कटे हुए हरी मिर्च, फिर हम डाल देंगे जीरा, फिर इसमें हम डाल देंगे चॉप्ड अनियंस यानी कि कटे हुए प्याज, डाल देंगे पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च, फिर हम डाल देंगे 1/3 स्पून ऑफ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और हम डाल देंगे 1/2 स्पून ऑफ पिसी धनिया यानी कि पाउडर्ड सिलेंट्रो. और अब हम इसको सबसे पहले मिक्स कर लेंगे. आप अपने हिसाब से और भी वेजीज मिला सकते हैं लाइक टमेटोज, कैप्सिकम. इसको मिक्स करने के बाद सबसे पहले हम डालेंगे उबले चने. बनाने से थोड़ी देर पहले हमने इसको एक बार बस बॉईल पे रखा था. चने अगर आपके अंकुरित भी हो चुके हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, ये बात आप जान के रखिए. और अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे पनीर, जो कि छोटे छोटे क्यूब्स में हमने काट लिए हैं. And you can have this with chapati or without chapati. Depends कि आपको कैसे अच्छा लगेगा ये. और इसको properly mix करने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक यानी कि salt as per your taste, आपके स्वाद के अनुसार ही आपको डालना है. This is a very healthy food for your loved ones who are finding ways to do diet, but they are resisting just because they are not getting that taste. अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के लिए कुक्ड होने के लिए छोड़ देंगे. सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो इसमें अंकुरित चने थे वो कुछ एक दिन पहले के थे, जो हमारे अनुभैया ने मिला दिए थे. और बाकी चने जो थे, मैक्सिमम चने जो थे, ज्यादा क्वांटिटी में थे, वो आज सुबह ही भिगोए गए हैं. और ये अब एक दो मिनट ढकने के बाद, इसको और अच्छे से कुक्ड होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है. आपको इसको गैस को बंद कर देना है और इसमें नींबू को स्क्वीज कर देना है. और अब हम इसको लेमन स्क्वीज करने के बाद हम इसको मिला देंगे. If you have liked this recipe, please like, share and comment in the comment box, and do let me know how did you find it. So yeah, till then, bye.